हमारा लेसन फाइव जनरल साइंस बुक फाइव में जो है वो रेप्टाइल्स के बारे में है। रेप्टाइल्स जो हैं वो रेंगने वाले जानवरों को कहते हैं। हम अपने सबक का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करते हैं और ये दुआ मांगते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। कुरान से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ने हर चीज़ को पानी से पैदा किया है, यानी जो पहली हयात पहला खुलिया बना वो पानी से बना और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारी मखलूकात को अल्लाह ने तख्लीक किया। तो रेप्टाइल्स जो हैं रेंगने वाले जानवरों को कहते हैं। आम तौर पे घरों में ये जो हैं छिपकलियाँ पाई जाती हैं, ये भी रेप्टाइल की एक किस्म है। छिपकली जो है उसको इंग्लिश में लिज़र्ड कहते हैं और इसके अलावा स्नेक को सांप कहते हैं उर्दू में। स्नेक जो है वो भी एक रेप्टाइल है। स्नेक जो है, सांप जो है, उसके काटने से जहर जिस्म में फैल जाता है। फिर उसके अलावा कछुआ आपने देखा होगा, ये भी रेप्टाइल की एक किस्म है। कछुए को इंग्लिश में टर्टल कहते हैं। आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। इसके अलावा क्रोकोडाइल मगरमच्छ को कहते हैं। मगरमच्छ जो है ये पानी में रहता है और ये इंसान को खा भी लेता है। ये बहुत बड़ा जानवर है और इसकी जो है दरियाओं में रहता है। फिर ये जो रेप्टाइल्स होते हैं इनकी टांगें तो होती हैं लेकिन आमतौर पे ये पेट के बल रेंग कर चलते हैं। इनकी छोटी छोटी टांगें होती हैं और ये रेप्टाइल जो हैं ये अंडे देते हैं। इनके अंडों से बच्चे निकलते हैं जिससे इनकी नस्ल जो है आगे चलती है। जैसे कछुआ वो जानवर है जो पानी और खुश्की दोनों में रहता है। तो ये जो रेप्टाइल्स हैं इनकी टांगें होती हैं। इनकी कुछ रेप्टाइल्स जो हैं उनकी चार टांगें होती हैं, जैसे क्रोकोडाइल है, छिपकली है, और कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जिनकी दो टांगें होती हैं। और जैसे कछुआ जो है वो भी दो टांगों चार टांगे हैं, छिपकली की चार टांगे हैं, लेकिन कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जिनकी दो टांगे होती हैं। तो ये छिपकली है, इसकी छोटी छोटी चार टांगे होती हैं लेकिन ये रिंग कर चलती है। इसी तरह कछुआ जो है ये अपना दो टांगों वाला है और इसमें से कुछ रेप्टाइल ऐसे हैं जैसे सांप जो के टांगे जिनकी होती ही नहीं है, वो रिंग कर चलते हैं। तो जैसा हमने देखा कि जो रेप्टाइल्स हैं ये अंडे देते हैं और इनके अंडों में से बच्चे निकलते हैं। कुछ बहुत थोड़े से रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो बच्चे पैदा भी करते हैं। आप देखें ये सांप है, ये अंडों के गिर्द कुंडली मार के बैठा हुआ है। फिर जो रेप्टाइल्स हैं इनके कान नहीं होते, ये छोटा सा सुराख जो आपको नज़र आ रहा था ये इससे सुनते हैं। जैसे ईयर को इंग्लिश में, कान को इंग्लिश में ईयर कहते हैं। तो ये जो मुख्तलिफ ईयर होल्स सुराख हैं कानों के जिनके गिर्द दायरे लगे हुए हैं, चकोर निशान बना हुआ है। इनकी जो स्किन होती है या जिल्द होती है वो सख्त और खुरदरी होती है और जिसकी वजह से ये आप देख रहे हैं कि कितने प्यारे प्यारे पैटर्न्स नमूने बने हुए हैं। सांप की जिल्द जो है इनकी जो खालें हैं उनसे मुख्तलिफ अशिया भी बनती हैं। और ये जो है कछुआ है, कछुए आपका सख्त खोल होता है। तो हमने देखा कि इनकी जिल्द खुश्क और खुरदरी होती है रेप्टाइल्स की, और इनके कान की बजाय सुराख होते हैं और ये जो हैं अंडे देते हैं, अपने नस्ल को अंडे देकर बढ़ाते हैं, अंडों से बच्चे निकलते हैं। फिर हमने देखा कि इनमें से कुछ की दो टांगें होती हैं और कुछ रेप्टाइल्स की चार टांगें होती हैं। और इनका खून ठंडा होता है, यानी जब मौसम का टेम्परेचर डाउन होता है तो ये ठंडे हो जाते हैं और गर्म की वजह से गर्मी हो जाती है। कुछ खुश्की पर रहते हैं और कुछ पानी में रहते हैं। तो रेप्टाइल्स जो हैं वो रेंगने वाले जानवरों को कहते हैं। इनमें सांप, कछुआ, छिपकली होती है, ये कोल्ड ब्लडेड या ठंडे खून वाले होते हैं।
इनकी दो और चार टांगें होती हैं, इनके सुराख होते हैं, ईयर्स नहीं होते, कान नहीं होते, इनकी छोटी छोटी टांगें होती हैं और ये इनकी स्किन जो होती है वो खुश्क और सख्त होती है। तो हम पाकिस्तान होम स्कूल की तरफ से आपकी किस्मत में ये वीडियो पेश कर रहे हैं।